सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। देश भर में एटीएम से नोट गायब होने की खबर के बाद अब एक बार फिर से ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि क्या देश को एक बार फिर से नोटबंदी का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि देश में नकदी की कोई कमी नहीं है और न ही दोबारा देश में नोटबंदी जैसी कोई स्थिति होने वाली है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वॉल्ट और करेंसी चेस्ट में पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। आरबीआई ने कहा है कि देश में बड़े नोटों की कमी को देखते हुए चारों नोट छापने की प्रेस में छपाई का काम तेज कर दिया गया है। देश के कुछ हिस्सों में नकदी की जो कमी दिखाई दे रही है वो लॉजिस्टिक्स कारणों की वजह से है, जिसे जल्द ही सुधारा जाएगा। बैंक ने ये भी कहा है कि एटीएम में नोटों की कमी का एक कारण रिकैलिब्रेशन भी है, जो अभी चल रहा है। इससे पहले आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बताया था कि देश के कुछ हिस्सों में 500 रुपए के नोटों की कमी को खत्म करने के लिए आरबीआई 500 रुपए के नोटों की छपाई 5 गुना बढ़ाएगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तरी बिहार और देश के बाकी कुछ हिस्सों से नोट की कमी की खबरें आ रही है। सरकार ने कहा है कि नकदी की कमी का प्रमुख कारण देश के कुछ हिस्सों में असामान्य रूप से बड़े नोटों की मांग में वृद्धि होना है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।